हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन लाइव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 7 डबल एंट्रेंस सिस्टम पार्ट नंबर 2। प्रीवियस वीडियो जो था डियर स्टूडेंट्स, हमने पार्ट नंबर 1 में क्या पढ़ा था, डबल एंट्रेंस सिस्टम कांसेप्ट की शुरुआत कहां से हुई थी, उसका मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सब रूल्स फॉलोड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। डबल एंट्रेंस सिस्टम में अकाउंट को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हम जो अकाउंट बताए थे स्टूडेंट्स, वो तीन टाइप्स के थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। उनके रूल्स, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था स्टूडेंट्स, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट रूल्स आर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आज हम एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जिसमें आप को पता लगेगा ये अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो हम बारी बारी से इसके अंदर इलस्ट्रेशन एक ही दे रखा है। तो देखिए, हम तीन कैटेगरीज बना लेते हैं, ये पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अकॉर्डिंग टू कैपिटल, कल मैंने बताया था कैपिटल एक व्यक्ति लगाता है, पर्सनल, तो कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। सेकंड, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग भी विड्रॉन कौन करता है, एक व्यक्ति के द्वारा विड्रॉन होता है, तो ड्रॉइंग आल्सो एक पर्सनल अकाउंट। ड्रॉइंग के बाद देखिए कैश पेड, कैश, कैश हमारी एसेट्स है, करंट, कैश पेड रियल अकाउंट है। कैश रिसीव्ड, सेल, चाहे सेल हो चाहे रिसीव्ड हो, कैश रिसीव्ड डिटो इन द रियल अकाउंट, तो कैश हमारा रियल अकाउंट होगा। उसके बाद कमीशन, कमीशन ये स्टूडेंट खर्चा है, और खर्चे और इनकम जितने भी मैंने क्या बताए थे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। कमीशन के बाद कमीशन रिसीव्ड, चाहे कमीशन पेड हो चाहे कमीशन रिसीव्ड हो, बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस नॉमिनल होते हैं। परचेज, खरीदा, पैसे जाएंगे, परचेज से इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद फर्नीचर, कैश, फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट होता है, एसेट्स है, कैश से पेड और रिसीव्ड, कैश चाहे कैसा भी हो। उसके बाद बैंक, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, सेम डिटो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैंक से एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आल्सो इन द पर्सनल अकाउंट। उसके बाद डेटर्स, सेम, एक व्यक्ति डेटर देनदार होता है, क्रेडिटर इन द सेम, डेटर और क्रेडिटर बोथ आर द पर्सनल अकाउंट होते हैं। उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसके पीछे एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज द नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास है गुडविल, गुडविल एक एसेट्स है, जिसमें हमने कहा था गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट्स होती है, और एसेट्स है तो रियल अकाउंट है। गुडविल के बाद ये स्टूडेंट्स पेटेंट्स, पेटेंट आल्सो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब रियल अकाउंट है। सैलरी, सैलरी खर्चा है, और खर्चा है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। सैलरी के बाद ये स्टूडेंट्स सैलरी आउटस्टैंडिंग, कल बताया था आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है हमारा। उसके बाद है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस खर्चा है, और खर्चा हमारा एक्सपेंसिव नॉमिनल अकाउंट होगा इंश्योरेंस। उसके बाद प्रीपेड, फिर वही आ रहा है इंश्योरेंस प्रीपेड, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, कोई भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वन होगा। सैलरी देखो यहाँ पर थी, आउटस्टैंडिंग यहाँ, इंश्योरेंस यहाँ, प्रीपेड पेड इन एडवांस किसी व्यक्ति के द्वारा होता है, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। बैड डेट्स राइट ऑफ,
खर्चा हुआ 2 रुपये पैसे, लॉस हो गया। बैड डेट देने वाला राइट ऑफ एक्सपेंसिव नॉमिनल अकाउंट है, और उसके बाद बैड डेट रिकवर, अगर कोई बैड डेट हो तो इनकम हो जाएगी, दिस आल्सो नॉमिनल अकाउंट। तो दीज आर द 23 पॉइंट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपने इनको किया। 8 पॉइंट हमारे पर्सनल हैं, 6 हमारे रियल अकाउंट आए, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारे टोटल 23 थे। 8 इज द पर्सनल, पर्सनल में कौन कौन सा है फिर देख लीजिए। कैपिटल, ड्रॉइंग, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, क्रेडिटर, ऑप्शन सेल, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश, जितनी भी एसेट है, कैश पेड, रिसीव्ड, फर्नीचर, कैश, गुडविल और पेटेंट, ये रियल अकाउंट है। जितने भी एक्सपेंसेस है, इनकम है, एक्सपेंसिव इनकम, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव इनकम, दिस आर योर नॉमिनल अकाउंट। तो रूल्स, पर्सनल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट वर्ड का मुझे क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एंड नॉमिनल डेबिट ऑन एक्सपेंसिव रिसीव्ड एंड क्रेडिट ऑन इनकम सेंटिंग। चलिए जी नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेज या पाथ ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे तो किस स्टेज से हमें गुजरना होगा, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेज, ओरिजिनल रिकॉर्ड। देखिए हमने पहले भी पढ़ा था, अकाउंट्स के अंदर सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी सबसे पहले हम जितनी प्राइमरी बुक्स होती है जिनको हम जर्नल बोलते हैं उनके अंदर के स्टूडेंट्स हम इनको रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत लार्ज होती है, एक ट्रांजेक्शन तो होती नहीं है, बिजनेस में बहुत सी ट्रांजेक्शन होती है, और उन ट्रांजेक्शन के लिए स्टूडेंट्स हमें बहुत सी प्राइमरी बुक और सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है जिसको हम जर्नल के नाम से जानते हैं। तो और लेसन भी आपको आएगा सब्सिडरी बुक्स का। सेकेंड है क्लासिफिकेशन, ये बार आप पहले भी पढ़ चुके हैं, रिकॉर्डिंग आ चुका था, शुरुआत में हमने फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ा था या अकाउंटिंग की शुरुआत की थी, अकाउंट का बेस पढ़ा था, सबसे पहले रिकॉर्ड ही था कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड के लिए वाउचर बनाया जाता है, फिर जर्नल में ट्रांजेक्शन करते हैं। क्लासिफिकेशन, स्टूडेंट आ गए, स्टूडेंट को क्लास भेजा जाता है, तो क्लासिफिकेशन के लिए वर्ड आता है लेजर। लेजर का मतलब होता है अलग अलग नाम से अकाउंट, दोनों से लेजर बोलते हैं, राम का, श्याम का, फर्नीचर का, कैश का, तो उसे हम क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड होता है जब जर्नलिज्म एंट्री होती है। उसके बाद थर्ड है समरी, समराइज जिसे बोलते हैं, सारांश। इनको देखने के बाद क्लास के अंदर टीचर आता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है, वैसे बिजनेस के अंदर भी जो भी खाते हैं अलग अलग बड़ी उनकी समरी बनते हैं। समरी के लिए क्या होता है, स्टूडेंट सबसे पहले बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। कल भी मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद समरी में क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या खोया और क्या पाया, और लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये थी स्टेज 3 हमारी जो हमने डबल एंट्री सिस्टम में पढ़नी है। सबसे पहले एंट्री रिकॉर्डेड करनी है, उसके लिए आप वाउचर बनाते हैं, जर्नल के एंट्री और सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन कर देते हैं हम, सबके अलग अलग खाते बनाते हैं, जिसके आधार पर जब अकाउंट अलग अलग होगा तो उनके बैलेंस ही आएंगे, या तो डेबिट आएंगे या क्रेडिट आएंगे, और उन डेबिट क्रेडिट बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं, और ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम क्या बनाते हैं कि बिजनेस मैन ने क्या खोया और क्या पाया, प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में उसकी फाइनेंशियल पोजिशन। तो ये थी आपकी 3 स्टेज। नेक्स्ट कंसेप्ट है व्हाट इज एडवांटेजेस, फायदे क्या है इसके, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो क्या फायदे होंगे, बेनिफिशियल क्या है, आखिर क्या पर्पज है, भी क्या कोजिज है, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो रही है तो उसके पीछे क्या फायदा। नंबर एक, साइंटिफिक सिस्टम,
देखो जिस तरह साइंस में रूल्स बने हुए हैं ना, सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि ये वास्तव में एक साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम कैसे कह सकते हैं कि रियलिटी जैसे साइंस के अंदर रूल्स रेगुलेशन फॉलो रहे हैं, सेम डिटो साइंस में रूल बने, जैसे ग्रेविटी के रूल बना, आर्किमिडीज के रूल्स बने, न्यूटन लॉ बना, तो ये सब रूल्स ऐसे ही ट्रैफिक के रूल्स बने। तो हम ये कह सकते हैं एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें रियलिटी सच इज द सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक इज द कंपेयर्ड अदर सिस्टम ऑफ द बुक की। ओके नेक्स्ट, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, आप जैसे आते स्कूल में जो डिपार्टमेंट अकाउंट्स, उसमें सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, कितने स्कूल में है, तो ऐसे ही बिजनेसमैन जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांजेक्शन सारी की सारी, क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड कर रखी है। जब रिकॉर्डेड है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को रूल को फॉलो करते हुए हर ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्डेड कर रखा है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, जब वो ट्रांजेक्शन ने अपने बैलेंस ही शो कर दिए डेबिट और क्रेडिट, तो हम ट्रायल बैलेंस ऐसे नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डेड करना होगा, तो उनके बैलेंस ही कहा जाते हैं डेबिट और क्रेडिट, और उसके आधार पर हम आसानी से ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस मेंटेन कर दिया, तो फोर्थ पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर वही पॉइंट आ गया कि बिजनेसमैन वांट्स टू नो, देखो आपने पूरे साल पढ़ाई की, 31 मार्क्स पे जानना चाहते हैं कि आप पास हैं या फेल है, तो बिजनेसमैन ये जानना चाहता है उसने क्या खोया और क्या पाया, उसके लिए वो क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेगा। नेक्स्ट फिफ्थ, नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। अब फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय स्थिति, देखो एक परिवार को देख कर ये बताए भाई अमीर है या गरीब है, तो उसकी पोजीशन कैसे पता लगता है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, घर के बाहर कुछ नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन कोटी है, दीवारें भी सही नहीं, तो उसको देख के बताते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, वो धनाढ्य है अमीर है रिच है, नोट करता है। तो बिजनेस में अगर मान लेते हैं मांगने वाले ज्यादा हो तो फिर पोजीशन अच्छी कोई होगी, एसेट्स उनके पास बहुत ही नाम मात्र की है और मांगने वाले लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, कैपिटल भी कम है, तो हम ये कहेंगे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर है, वीक है। साउंड पोजीशन कब होगी, जब कैपिटल भी ज्यादा हो, लाइबिलिटी ना के बराबर हो और एसेट्स भी हो, तो इस प्रकार से बैलेंस शीट हमारी जो बताती है वो बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द वेरियस इंफॉर्मेशन, वेरियस इंफॉर्मेशन कहता है बहुत सी और भी सूचनाएं हैं जिनकी नॉलेज हमें प्राप्त होगी, हमें यह पता लगेगा। देखो ट्रेडिंग बढ़ाया, कितनी सेल हुई, क्या खरीदा, कितना स्टॉक है, अब ये ट्रेडिंग बढ़ाते हैं तभी तो पता लगेगा कि उसके पास कितनी सेल थी, कितना स्टॉक है, कितना बेच दिया, तो हमें सारी चीजें कि कस्टमर कितने हैं, कस्टमर के अंदर डेटर कितने हैं, कितना पैसा हमारा आएगा, कितने क्रेडिटर है, किस सप्लायर को कितना पैसा देना है, तो दीज आर द हाउ मेनी एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस ज्यादा तो नहीं हो गए है, तो ये सारी चीजें हमें नॉलेज प्राप्त होती है। नेक्स्ट है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड, डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा कहता है फ्रॉड की जो संभावना होती है, कपट की संभावना होती है वो ना के बराबर होती है, पॉसिबिलिटी संभावना ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड मान होता गमन करना,
देखो क्लियर तस्वीर है आपके सामने, सब कुछ दे रखा है, तो फ्रॉड नहीं होगी। अगर मान लेते हैं कि स्थिति सही नहीं है तो किसी प्रकार का भी फ्रॉड हो सकती है, तो वैसा पॉसिबिलिटी क्यों है कि डबल एंट्री सिस्टम सीधे सीधे रहते हैं, डेबिट और क्रेडिट एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट, लीगल अप्रूवल। कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है डबल एंट्री सिस्टम। हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट जो रिकॉर्ड होता है, वो जो कैश ट्रांजेक्शन होती है, हम ये कह सकते हैं अंडर दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। आप रूल्स बार बार हम बता रहे हैं कि जब रूल्स फॉलोड जब हो रहे हैं तो फिर उसको लीगल अप्रूवल मिला हुआ है, कानूनी मान्यता मिली हुई है, तो इसका ये फायदा है कि अकॉर्डिंग टू, तो हम ये कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ लॉ नेसेसरी द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि आप कानून में अगर कोर्ट को उन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको आप कंप्लीटली उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और वो एक लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लीटेशन करेंगे। नेक्स्ट, कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव बार बार कह रहा हूं, कंपेरिजन करना। देखिए कंपैरिजन कब होगा, इन दिस सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्डेड होती है आइटम, एक्सपेंसेस और इनकम लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिल लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे एक प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है, ये 2017-18 या 18-19। अब इसको आपस में कंपेयर कर करेंगे जब आपके पास रिकॉर्ड होगा। पिछले साल मान लें आपने सैलरी 12-15 हजार और आपकी 12-80 हजार कैंडिडेट उठने के, तो 30 हजार रुपए बढ़े, तो उसके रीजन क्या था? आखिर एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो उसके पीछे लॉजिक क्या था? इनकम बढ़ी तो क्या लॉजिक था? तो वो सारी कंपैरिजन से ही, दो स्टूडेंट है, एक 80%, एक 90%, सेम क्लासेस, सेम टीचर, फिर कंपेरिटिव, आखिर 10% ज्यादा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक तो होगा ही, तो हम कंपेरिटिव कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्थ मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। हेल्थ मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेने में सहायक। मैनेजमेंट कोई और कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, अब पहले लोग में क्या डिसीजन ले, मैनेजमेंट मैनेजमेंट डिसीजन लेगी जब प्रॉफिट अच्छे हैं, फाइनल कंडीशन अच्छी है, तो बिजनेस को आप बढ़ा लीजिए। तो डिसीजन मेकिंग में ही डबल एंट्री सिस्टम सहायक होती है और सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ द बिजनेस, और डबल एंट्री सिस्टम है वो सूटेबल है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटे से छोटा हो, बड़ा सा बड़ा हो, सबके अंदर सूटेबिलिटी हो। तो दीज आर द सम 11 एडवांटेजेस, हम ये कह सकते हैं वेरी पॉपुलरिटी है और ज्यादातर हमारे बिजनेस में डबल एंट्री सिस्टम को ही अप्रूवल किया गया है और इसको फॉलो किया जाता है। चलो जी, कुछ फायदे हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। कहते हैं किसी भी चीज की, विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप भी है, तो कुछ डिसएडवांटेजेस बताई हैं जो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी क्या है डिसएडवांटेजेस, देखिए स्टूडेंट्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम क्या है आपके डिसएडवांटेज, पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है ये एक्सपेंसिव है, खर्ची तो है ही, जब रिकॉर्ड सारे रखने पड़ेंगे। देखो किसी भी चीज की कहते कमियां निकालना, उधर हम फायदे की बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा डिसएडवांटेज बोलेंगे कि ये खर्ची की पद्धति है, इसमें जो पैसे वो ज्यादा, क्योंकि भाई रिकॉर्ड जो बहुत ज्यादा रखने पड़ेंगे तो एक्सपेंसिव है। तो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए डबल एंट्री सिस्टम कहीं ना कहीं मानते हैं कि ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो अफोर्डेबल नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव, वैटली ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी एक्सपेंसिव है। नंबर टू, क्वाइट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट माने रूल्स है समझने में, एक स्मॉल बिजनेस इन रूल्स को नहीं समझ पाता है, तो इसलिए समझने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट है एरर ऑफ ओमिशंस, कहता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी में, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, देखो
देखो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, सुनना ध्यान से, गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। ये कमी क्या बता रहा, सुनना ध्यान से, मैं एक बार बोल रहा हूँ टू एरिज मनुष्य गलती हो जाती है। अब जो गलती हो रही हो किस टाइप की गलती है, जैसे मान लेते हैं इसमें बताया एरर ऑफ ओमिशन, ध्यान देना ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, ओमिटेड। अकाउंटेंट ने क्या किया, सैलरी पेड होगी लिखना भूल गया, तो भाई ये तो चलो एडवांटेज है ही है, तो किसी भी प्रकार की एरर ऑफ ओमिशन हो सकती है, एरर ऑफ कमीशन हो सकती है, लिखने मैंने कल बताया 800 के 8000 लिख दिए, ये भी गलती है, एरर ऑफ द प्रिंसिपल हो सकती है, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो रूल्स की लेफ्ट बजाय राइट में, राइट लेफ्ट चलेगा तो भी एक्सीडेंट तो होगा ही, तो रूल्स अगर बदल देंगे आप तो फिर एंट्री के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स एंड कंपनसेटिंग एरर। कई बार क्या होता है गलती का पता नहीं लगता, 800 बार 8000 लिखे 8000 के 800 गए तो सही लिखे गए, लेकिन खाते में गलत लिखे गए, जिस कैंडिडेट का 8000 लिखने तो उसके 800 लिख दे, 800 वाले का 8000, कंपनसेट तो हो गया लेकिन गलती तो है ही भाई, 800 वाला 8000 वाला 800 कैसे देगा, और 800 वाले को 8000 मिल गए तो ये गलत देख दिया आपने। तो दीज आर सम डिसएडवांटेज जिनको हम नए के बराबर मानते हैं, ऐसी कोई गलती नहीं है, डिसएडवांटेज डबल एंड सिस्टम की कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी बताई है कि ये खर्ची भी पड़ती है बिजनेस में तो खर्चा होगा ही, क्योंकि आप काफी आपको रिकॉर्ड करने होते हैं, क्वाइट डिफिकल्ट समझने में, देखो हर अकाउंटेंट को जिनको नॉलेज कम होती है उनके लिए डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है, और कुछ गलती मैंने बताया एथमेटिकल गणितीय गलतियां हो सकती है, जो लिखना भूल गए या आपने गलत अमाउंट लिख दिया या आपने कंपनसेट कर दिया 800 को 8000 लिख दिया, या हो सकता है रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो किए, आपने डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया। एट कंप्लीटेड योर लेसन डियर स्टूडेंट्स, हर चीज क्वेश्चन की मैंने आपको क्लैरिफाई कर दी है, सब कुछ मैंने बता दिया है, चलो लेसन कंप्लीटेड, चलिए डियर स्टूडेंट्स अपने डाउट सेशन। कोई भी डाउट इस लेसन के रिगार्डिंग, डियर स्टूडेंट्स वियर मास्क हैंड सैनिटाइजर कीप डिस्टेंस मेंटेन स्टे होम स्टे सेफ, ओके स्टूडेंट चलिए डाउट सेशन। यस इज प्लेस फर्स्ट ऑफ काजल, काजल माइक ऑन कीजिए प्लीज, बोलिए प्लीज। देखो स्टेज का थर्ड पॉइंट है कि लास्ट में जाके हमें रिजल्ट निकालने होते हैं तो समरी बनानी होगी, सारे साल आपको टीचर पढ़ाता है तो लास्ट में क्या पढ़ाता है कि स्टूडेंट पास है यार, तो उसके लिए तो फिर पेपर भी लेने होंगे, तो इस प्रकार से बिजनेसमैन अपना P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाकर उसे हम समरी कहते हैं। हाँ जी, फिफ्थ पॉइंट है कि फाइनेंशियल पोजीशन, देखो मैंने एक उदाहरण भी बताया था, पढ़ाया था तो सुना होगा, किसी भी इंसान की या मान लेते हैं एक मकान के बाहर आप जा रहे हो उसको देख के ये कह देते हैं ये वास्तव में रिच है या पुअर है, कैसे बता देते हो आप, उसकी पोजीशन को देखते हो ना आप, तो बिजनेसमैन में अगर मान लेते हैं आपके पास एसेट्स अच्छी हो, मांगने वाले कम हो गए, तो पोजीशन कैसे होगी आपकी, स्ट्रॉन्ग होगी, साउंड होगी, और अगर आपके मांगने वाले ज्यादा होंगे तो आपकी पोजीशन पुअर होगी, वीक होगी। यासिका एडवांस एट पॉइंट है स्टूडेंट्स, लीगल अप्रूवल, देखो कानून लोग से कोर्ट में केस होते हैं, अब कोर्ट में केस होगा तो एविडेंस क्या देंगे आप, प्रूफ, जब अकाउंट के रिकॉर्ड होंगे तभी तो प्रूफ देंगे स्टूडेंट्स, जब आपके पास प्रूफ ही नहीं होगा तो आप क्या एविडेंस देंगे, तो एविडेंस में अप्रूवल होती है, वो सारे रिकॉर्ड मान्य जाते हैं।
पॉइंट है जो मैनेजमेंट होता है, टू मैनेजमेंट जो बिजनेस को चलाती है। अब मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल कब होगा, जब उसको सारी सूचनाएं आप दे देंगे तो फिर वो डिसीजन ले लेंगे। अब आपको कुछ पता है नहीं है तो आप डिसीजन क्या लें। तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू पलक। कंपेरेटिव स्टडी, देखो कंपैरिजन का मतलब एक साल से दूसरे साल का कंपैरिजन करना। मैंने उदाहरण बताया, दो स्टूडेंट है तो कंपैरिजन कर सकते हैं ना, एक ही क्लास में हो तो। कंपेरेटिव स्टडी है कि एक साल से दूसरे साल को हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। पहले साल क्या इनकम ज्यादा थी या खर्चे थे, माने पहले साल प्रॉफिट 50,000, दूसरे साल 40,000 होगा तो 10,000 क्यों घटा जबकि 6 बढ़ रही थी, तो उसका ढूंढते हैं हम। कंपनसेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं आपको 100 रुपए, भैया को 50 50 देते, 100 रुपए तो 150 में, लेकिन गलत गए ना, आपको 100 देने तो आपको 50 दे, 50 वाले को 100, इसे कहते हैं कंपनसेटिव। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो रूल बनाए हैं उनको फॉलो ना करें। डेबिट वालों को मैं क्रेडिट कर दूं, क्रेडिट को डेबिट कर दूं, तो प्रिंसिपल्स कहां फॉलो हुए? सिद्धांत का पालन तो नहीं किया ना आपने। मनीषा, मनीषा आवाज नहीं पहुंच रही क्या? स्टेज पे कौन सा पॉइंट है? बोलो कौन सा स्टेज में कौन सा पॉइंट है? आप एक चीज ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, स्कूल में पहला स्टूडेंट्स है, फिर उसके बाद प्रेयर होने के बाद क्लास में जाता है, उसके बाद टीचर पढ़ाता है, तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। देखिए बिजनेसमैन सबसे पहले रिकॉर्डिंग करता है जो भी ट्रांजेक्शन हुई है, उसके बाद क्या करता है, समराइजिंग के करने से पहले क्या करता है, क्लासिफाइड करता है कौन कौन से खाते हैं, क्या क्या है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटी है, कितने डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, क्या सारी चीजें क्लास पता लग जाती है। 9th A, 9th 1, A2, A2, A3, A4, लास्ट में जाकर रिजल्ट बन जाता है, उसे समरी कहते हैं, जिससे हमारे ट्रेडिंग पीरियड और बैलेंस शीट बनती है, इसे कहते हैं स्टेज। एडवांटेज फोर्थ पॉइंट है कि ट्रेडिंग पीएनएल, फिर वही बता क्या खोया और क्या पाया, पास या फेल। बिजनेसमैन वांट टू नो, जानना चाहता है 31 मार्च को आप जानना चाहते हैं ना मेरा रिजल्ट क्या रहा है, ऐसे बिजनेसमैन भी जानना चाहता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये है प्रिपरेशन बनाना। ओके अंकुश बोलो बेटा। एडवांटेज का 7th पॉइंट बेटा है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। देखो क्लियर माल 100 रुपए रखे हैं तो 100 रुपए रखे हैं तो भाई 100 में से अगर 10 रुपए कम हो गए तो पता लगेगा फ्रॉड गई, और माल कोई रिपोर्टेड ही ना हो तो जितना निकाल दो उसमें जितना ही रख दो तो फ्रॉड की संभावना फिर ज्यादा होगी। हेलो देखो सुनो मेरी आवाज, आप सुन रहे हो? हेलो अंकुश, नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो इतना कुछ आशीष, आशीष जांगीर, आशीष मेरी आवाज नहीं पहुंच रही अब तक? अंकुश ध्यान से, अंकुश आवाज पहुंच रही मेरी आता है?
अंकुश, यस करोड़ क्या है? देखो घर में 100 रुपए रखे हैं, अगर 100 में से 10 रुपए कम हो गए तुरंत पता लग जाएगा। और मान लेते हैं आपने काउंट करके पैसे नहीं रखे तो उसमें कितने भी कम हो जाता है आपको कैसे पता लगेगा? तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम में सारी चीजें रिकॉर्डेड होती है जिसको आसानी से आप पता कर सकते हैं। क्लियर? और कोई कैंडिडेट इसकी प्रॉब्लम प्लीज। बिजनेस सिस्टम हर जगह फॉलो कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।